तो ये कॉलर बनके जो है इस तरीक़े का रेडी होगा, और बहुत बेहतरीन कॉलर है ये, मेरे दिमाग से बनाया मैं ये कॉलर, काट लिया मैं। ये जो है इसके बोन है जो ऊपर से अपन लगाते डबल कॉलर यानी, ये जो है पट्टियाँ काट लिया, ये जो है पट्टियाँ हैं फोल्ड कर लेके ला लिया। सो मैं कहाँ आपका टाइम वेस्ट करूँ बोल के, आपको भी आया था फोल्ड करने। ये जो है बारीक पट्टी जो है बीच की मोड़ लिया मैं, ये है कपड़ा, इसके ऊपर जो है पहले बीच में अपन जो है बारीक पट्टी लगेंगे। इस तरीके से जो है लगेंगे बारीक पट्टी ऐसा। सिलाई जो है एकदम किनारी मारो, आप लोगों के लिए जो है अच्छा रहेगा, आप लोगों की फिनिशिंग में जो है इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका ग्राहक जो है खुश होएगा, मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। सिलाई अच्छी मारो, एकदम किनारी होनी चाहिए, एकदम कपड़े के बाजू से आनी चाहिए। बहुत से लोग किनारी मारते मारते हाफ टेंशन सिलाई मार देते, यानी एक सूद उतनी सिलाई जो है मार देते बाजे ने। किनारी एक अलग चीज़ है, किनारी जो सिलाई रहती ना वो आप लोगों को सही से मारना है। देखो मैं मार के बताता हूँ कैसी आती सिलाई, आप लगा भी जो है सेम वैसी मारने की जो है कोशिश करो। देखो इस तरीके से, टाइम लगा परवाह नहीं, काम जो है अच्छा करो, आपका कस्टमर भी खुश होएगा और आप भी जो है खुश होएंगे, आपको भी ये काम में जो है मज़ा आने लगेगा, ठीक है।
तो अब कॉलर पलटा लेंगे अपन। कॉलर जो है, जो ये सिलाई मार रहा है ना नीचे कपड़ा लगा के, अपन इसको जो है कॉलर के स्टिफ से एक सूत दो है, एक सूत या हाँ एक सूत जो है बस हुआ था, थोड़ा हटा के सिलाई मारो स्टिफ से, क्योंकि पाइपिंग डालने की वजह से क्या होता है वो सही से पलटता नहीं माया। तो आप लगा थोड़ा सिलाई हटा के मारेंगे तो पलटने के बाद जो है सही से लगेंगी, ठीक है। थोड़ा हटा के मार रहा हूँ मैं भी, आप लगा देख रहे होंगे। कपड़े को जो है साफ़ करते हुए मारो, वरना एक तरफ से जो है कपड़ा चलेगा पीछे कॉलर में बोले तो ख़त्म, फिर आप लोगों को कॉलर बाद में सही नहीं पलटेगा। अब धागा डालेंगे, और ये धागा जो मैं डाल रहा हूँ ये जो है सिंगल धागा डालना है, डबल धागा आप लोगों को नहीं डालना है। डबल धागा डालेंगे तो कॉलर की नोक मोटी हो जाएंगी, मोटी होने की वजह से जो है कॉलर सही से नहीं बैठेगा, समझ रहे हैं। और कॉलर का ये माया काट लेंगे, और जो नोक है कॉलर की वहाँ पे जो है मार्जिंग आप लोगों को कम रखना है, जितनी हो सके उतनी मार्जिंग कम रखना है, ठीक है। पलटा लेंगे और इजीली पलट जाएगा, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। धागा बारीक डाले और सिलाई थोड़ा दूर से मारे, और माया नोक में से जो है थोड़ा कम करे, मार्जिन जो रहेंगी नोक में से अगर से कम करे तो इस तरीके से जो है सुकून से पलट जाएगा कॉलर, कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। बैंड वो चढ़ाना मैं आप लोगों ने बताता हूँ, सिलाई जो है इस तरीके से खींच खींच के मारो अच्छा रहता, ऐसे जो है खींचते जाओ मारते जाओ सिलाई, अच्छा रहता आप लोगों के लिए, वरना नहीं बैठता नहीं। तो ये अगर से मारना चाह रहे हैं तो आयरन मार लो पहले, इस्तरी मार लो, मार लेने के बाद जो है सिलाई मारो। मेरे को क्या है ऐसी चाहता मारने, इसके लिए जो है ऐसी मार ले रहा हूँ मैं, आप लगाए पहले इस्तरी मार लो अच्छा रहता आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरीके से मार लेंगे, फिर ये सिलाई मार लेंगे। मान लेने के बाद जो है मैं बैंड लगा लेता हूँ, बैंड लगा लेके जो है आप लोगों को जो है फाइनल लुक जो है दिखाता हूँ। बैंड अटैच करना तो सबको आता ही चूँगा, अगर से नहीं आता तो मेरे पुराने कॉलरों के वीडियोस देख लो, उस पर बैंड अटैच करना भी सिखाया मैं। ये कई को बोला बोले तो ये कई को काट रहा हूँ बैंड के वीडियोज़ बोले तो, वीडियो एडिटिंग करते वक्त जो है लंबी वीडियो जा रही है और आप लोगों को भी जो है टाइम वेस्ट बहुत हो जाता, इसके लिए जो है आधी वीडियो कट कर दे रहा हूँ। देखिए आप लोग सिलाई कैसी मारा मैं, कितनी फिनिशिंग में सिलाई मारा, देखो फाइनल लुकअप दिख रहा। ये जो है इस्तरी मारने के बाद जो है कॉलर रेडी हो गया।